दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टैली में परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न या रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट की एंट्रियां कैसे करते हैं। तो परचेज रिटर्न का मतलब होता है जो हमने माल खरीदा है, अगर वो हमें रिप्लेसमेंट या वापस करना है, उसकी जगह दूसरा लेना है, तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। इसी तरह से जो हम बेचेंगे उसको वापस दे, जो हमें कस्टमर वापस देगा, उसको ख़राब है या कोई दिक्कत है उसमें, तो उसको सेल रिटर्न देते हैं। अब जब हम माल खरीदते हैं तो उसको पहले चेक करते हैं, छांटते हैं, तो उसके लिए रिजेक्शन आउट, और जो हम कस्टमर को बेचेंगे वो उसको चेक करेगा, उसको कोई ख़राब निकलता तो उसको रिजेक्शन कर देता है, रिजेक्शन इन करते हैं उसे हम। तो टैली में मैंने जो है, सबसे पहले आप फीचर ऑन करेंगे इसमें यूज डेबिट क्रेडिट नोट, यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट और यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट, यूज रिजेक्शन इनवर्ट आउटवर्ड नोट्स। अगर मैंने इन्वेंट्री बनाई ही नहीं है तो मैं इन्वेंट्री बनाने के लिए जैसे गोडाउन यस कर लूंगा या फिर कैटेगरी यस करके इन्वेंट्री बना लूँगा। अब इसके बाद परचेज का लेजर, सेल्स का लेजर, जो इसका ये नाम है लेजर का, ये उसके अंडर में है, सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट, एक सप्लायर का लेजर जो सन्ड्री क्रेडिटर में होगा, और एक कस्टमर का लेजर जो सन्ड्री डेब्टर में होगा, और डिस्काउंट देने के लिए और लेने के लिए, डिस्काउंट लेने के लिए डिस्काउंट अर्न जो इनडायरेक्ट इनकम है, और डिस्काउंट देने के लिए डिस्काउंट अलाउ जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद मैंने कुछ इन्वेंट्री वगैरह बनाई है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने ये लेजर वगैरह पहले से बना के रखे। अब मैं अकाउंट इन्फो में आ जाऊंगा। सबसे पहले मैं फीचर्स में आ जाऊंगा, F11 में इन्वेंट्री फीचर एंटर करूंगा। इसमें मैंने मेंटेन मल्टीपल गोडाउन और स्टॉक कैटेगरी यस की है, ये यूज डेबिट क्रेडिट नोट तीनों ऑप्शन यस किए हैं, और एक मैंने यूज रिजेक्शन इनवर्ट आउटवर्ड नोट इसको यस किया। इसके बाद मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने लेज़र बनाए हैं, जैसे मेरे पास पहले से बने लेज़र हैं, एक इसमें असद कैपिटल अकाउंट, ये व्यापार जो हमारा बिजनेस है उसका मालिक है लेजर, और ये कैश का है, और डिस्काउंट देने का है, डिस्काउंट लेने का है, कस्टमर ग्राहक का है, और सप्लायर का। अब देखो, हम ग्राहक को सन्ड्री डेब्टर में रखते हैं क्योंकि सन्ड्री डेब्टर करंट असेट्स से आता है, और जो सप्लायर है उसको क्रेडिटर में रखते हैं, ये करंट लाइबिलिटीज से आता है। प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बना होता है, इसमें ये प्राइमरी लेजर होता है, परचेज का, परचेज रिटर्न का, सेल रिटर्न का, और एक मैंने बैंक का लेजर बनाया है। ये सब मैंने लेजर बनाए हैं। इसी तरह से मैंने इन्वेंट्री बनाई है। जैसे इन्वेंट्री क्या है इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ। N70, N72, N80, N90 ये क्या है, ये मोबाइल है। इन्वेंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आप ग्रुप या कुछ भी बना सकते हैं वैसे तो पहले, लेकिन स्टॉक आइटम सबसे आखिर में। स्टॉक ग्रुप बनाया है मैंने, जैसे मोबाइल का प्राइमरी, और दूसरा नोकिया का बनाया है अंडर मोबाइल। इसी तरह मैंने इसकी कैटेगरी बनाई है, ई सीरीज, एन सीरीज, ये सब प्राइमरी होती है, लूमिया, एन सीरीज और एक्स सीरीज। इसके बाद मैंने यूनिट बनाई है, यानी इसकी नाप तोल करने के लिए यूनिट बनाई है नंबर्स, NOS यानी इसकी गिनती होगी सामान। इसके बाद मैंने गोडाउन बनाए हैं। देखो, एक गोडाउन पहले से बना होता है, इसमें मेन लोकेशन आपको बनाना है तो आप उसके अलावा बना सकते हैं, जैसे शॉप अफजलगढ़ या शॉप कालागढ़। लास्ट टाइम मैंने इन्वेंट्री स्टॉक आइटम बनाया है, इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। जैसे N70 तो मैंने जो ग्रुप बनाया था उसके अंदर में नोकिया में आ गया, जो कैटेगरी बनाई थी एन सीरीज में आ गई, और यूनिट जो बनाई थी नंबर्स में आ गई। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, यहाँ से बाहर आ जाता है। इसी तरह से मैंने सब बना लिए हैं, ये आप ये देख लेंगे। अब मुझे क्या करना है, ये सब मेरी इन्वेंट्री तैयार है, मेरे अकाउंट्स के लेजर तैयार है, मैं अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या है, मैंने दिया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, सप्लायर है ये, और इसका जो रेफरेंस या बिल नंबर है वो ये है। और मैंने ये नहीं दिया है कि कितना कितना सामान खरीदना है, क्योंकि उससे बहुत बड़ा बन जाता है ये हमारा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सामान खरीद लूँगा। 10-10 पीस खरीद लेंगे, कोई भी एक रेट दे देंगे। तो हमें सबसे पहले परचेज करूँगा, तो
तो परचेज करने के लिए F9 का इस्तेमाल करेंगे, ये वाली F9। यहाँ पे पूछता है रेफरेंस नंबर, मैं चाहूँ तो बिल नंबर यहीं पर दे दूंगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि लास्ट में जब मैं एक्सेप्ट करूँ उससे पहले मुझे बिल मेनू मिल जाए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे एक F12 इसमें प्रेस करना पड़ेगा। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन से पहले के बाद जब भी मैं परचेज या सेल्स में आऊँ उसके बाद मैं F12 प्रेस करूँ और यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, ये बाय डिफॉल्ट यस रहता है लेकिन मुझे इसको नो करना है। इसका मतलब है कि डिफॉल्ट जो है वही बिल रहे लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बिल जो है वो डिफॉल्ट ना रहे, जो बाय डिफॉल्ट आता है वो ऐसा ना रहे। उसके बाद मुझे परचेज करना है या सेल्स करना है तो मैं यहाँ पे F12 कॉन्फिगर में आ जाऊँगा और इसमें ऑप्शन होता है यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, ये मैंने नो कर रखा तो मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करूँ। अब यहाँ पे मैं रेफरेंस नंबर कुछ नहीं डालूंगा, आगे आऊँगा मैं सबसे पहले लूँगा यहाँ पे मैं सप्लायर्स का नाम जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का कोई रिसीप्ट नोट यानी कि ट्रैकिंग या चालान नंबर मैंने कहा कुछ नहीं है। एड्रेस इसका मानो ये काशीपुर का है और इसका सेल टैक्स नंबर जो भी है मैं दे सकता हूँ। परचेज का लेजर लेंगे या परचेज रिटर्न का, यहाँ पर हमें परचेज करना है तो मैं परचेज का लेजर लूँ। अब ये देखते हैं आप कि ये पार्टिकुलर हो रहा था तो मुझे यहाँ पे आइटम इनवॉइस चाहिए, आइटम इनवॉइस का मतलब है मुझे यहाँ क्वांटिटी रेट वगैरह सब चाहिए। अब मैं यहाँ पे स्पेस दबाऊंगा तो ये जो मेरी इन्वेंट्री बनी है ये सब खुल के आ जाएगी। N70 अभी बोला है कि आपका ट्रैकिंग नंबर, मैंने कहा कोई नंबर नहीं है, कौन से गोडाउन में खरीद रहे हैं, मैंने चाह रहा हूँ तो मैं मेन लोकेशन में खरीदूँ। मैंने यहाँ पे ये 50 पीस खरीदे, इसका रेट 3000 है और अगर आप डिस्काउंट वगैरह लगाना चाहें तो डिस्काउंट भी लगा सकते हैं, इससे आगे मैं बताऊंगा आपको डिस्काउंट लगाना। लेकिन इसमें एंट्री में जो हमारा मेन काम है वो है परचेज रिटर्न और रिजेक्शन इन और आउट, आपको परचेज सेल रिटर्न और रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड आपको बताना। इसी तरह से हम नोकिया के N72 खरीद लेंगे, इसमें भी ट्रैकिंग नंबर नहीं है, ये 50 पीस खरीद लेता हूँ मैं, इसका रेट है आपका 3100 रुपये। उसके बाद मैं ले लेता हूँ 80 और 50 पीस 3250 रुपये और N90 इसका रेट है 50 पीस 3500। अब मैंने यहाँ से ले लिया, इसके बाद में जैसे ही यह मेरा टोटल अमाउंट चल रही है यहाँ पे इन सब का जोड़ आ गया। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो इसके बाद यहाँ तक तो ये इन्वेंट्री शो करता है, इसके बाद जब मैं नीचे आ जाऊँगा तो यहाँ लेजर शो करने लगेगा। मैं स्पेस दबाऊंगा तो ये मेरे लेजर आ गए। अब मुझे डिस्काउंट लेना है तो डिस्काउंट अर्न में आ जाऊँगा, -500 और उसके बाद इसका सबका टोटल -500 का क्या है इसमें जो है माइनस करके यहाँ टोटल आपको दिखा दें। उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो मुझे ये बिल की मेनू मिलेगी। अब देखो इसमें चार चीज़ें होती हैं, एडवांस, एडजस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। तो एडवांस का मतलब होता है हम किसी पार्टी को एडवांस दे रहे हैं या पार्टी से एडवांस ले रहे हैं तो एडवांस में आ जाएगा। एडजस्ट रेफरेंस का मतलब होता है यदि हमने कोई पहले ही उसको रेफरेंस दी है या रेफरेंस ली है उसी को एडजस्ट कर रहे हैं। और न्यू रेफरेंस का मतलब होता है नया बिल जारी करना या नया बिल लेना या नया रेफरेंस लेना या देना। ऑन अकाउंट यूज़ होता है जैसे आप वापसी कर रहे हैं तो उसमें ऑन अकाउंट यूज़ होगा। क्या है कि उसमें जब हम वापसी करेंगे तो ना ही वापसी करेंगे या वापसी लेंगे तो ना ही बिल देंगे और ना ही बिल लेंगे तो वो ऑन अकाउंट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ न्यू रेफरेंस ले लेता हूँ, तो बिल नंबर डालना है, बिल नंबर क्या था मेरा वो है BS। अगर मैं यहाँ से कॉपी करके और टैली में जाके पेस्ट करना चाहूँ तो भी हो जाएगा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और अल्ट कंट्रोल और वी से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये मेरा बिल नंबर आ जाएगा, एंटर। अब ये पूछ रहा है कि ड्यू डेट और क्रेडिट डेट यानी कि आपने कितने समय बाद ये पैसा देना है, मैंने इसमें यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा,
जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ वन तो एक दिन बाद, अगर मैं वन एम लिख दूँ तो एक महीने बाद, टेन लिख दूँ तो 10 days, या जितने चाहे आप उतने लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट कर, तो ये मैंने माल खरीद लिया है। अब मैं पेज अप दबाऊंगा, पेज अप बटन जो कीबोर्ड में होता है, तो ये एंट्री मेरी रिपीट हो जाएगी। मैं चाहूँ तो इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट। जैसे फिर बैक स्पेस दबाऊंगा मैं, जैसे यहाँ मैं एक्सेल में लेना चाह रहा हूँ तो एक्सेल में भी आ जाएगा, ये इनवॉइस पूरी एक्सेल में आ जाएगी। और एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत है तो, और चाहूँ तो मैं इसका प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। प्रिंट में आऊँगा, नो प्रीव्यू विद प्रीव्यू, नो प्रीव्यू विद प्रीव्यू, विद प्रीव्यू जब यहाँ लिखा हुआ आएगा तो उसको प्रिंट निकालने से पहले वो हमें उसका प्रीव्यू दिखा देगा। देखो ये प्रिंट की लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज में प्रिंट करना चाह रहे हैं, एस्केप कर लूँगा मैं इसको। और टाइटलिंग, ये हमारे टाइटल क्या होगा, इनवॉइस है, ये टैक्स इनवॉइस है, सेल इनवॉइस है, वो ले देंगे हम इसमें। बहरहाल जो परचेज की इनवॉइस होती है वो हमें सप्लायर इशू करता है, तो इसका हमें प्रिंट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे पास ये जो सप्लायर, जब हम परचेज करते हैं तो जो सेल कर रहा है बंदा, जो सप्लायर है वो हमें बिल देगा इसका। तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब मेरी अगली एंट्री में चलता हूँ मैं। अगली एंट्री है पेमेंट ऑफ सप्लायर, यानी कि मुझे सप्लायर का पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए मुझे F5 में आना पड़ेगा, पेमेंट में। किसका पेमेंट कर रहा हूँ मैं, मिस्टर एक्स का। और जो उसका पैसा देना होगा वो यहाँ नीचे शो कर जाएगा करंट बैलेंस। अगर बाय द वे करंट बैलेंस शो नहीं कर रहा है तो F12 दबा के आप इसमें क्या कर लेंगे, इसमें एक ऑप्शन होता है शो लेजर करंट बैलेंस, ठीक है ना, इसमें आपका शो लेजर करंट बैलेंस, इसको यस कर लें तो उसका करंट बैलेंस शो करेगा। अब मैं इसका डेटा डाल देता हूँ कितना है। अब ये बोला है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट आपने कैसे करना है, एडवांस, तो मैं एडवांस नहीं दे रहा हूँ इसको। एडजस्ट रेफरेंस, इसने खुद ही इसने सेलेक्ट कर लिया एडजस्ट रेफरेंस, का मतलब है पिछला रेफरेंस है उसी को एडजस्ट कर रहे हैं। रेफरेंस नंबर यानी पेंडिंग बिल जो है वो ये है, उसको आप एडजस्ट कर रहे हैं। ये मैंने नीचे, मैं इसको कैश दे रहा हूँ या फिर मैं बैंक से दे रहा हूँ। मैं इसको बैंक से दे रहा हूँ तो बैंक से दे दूँगा। यहाँ पर मैं चेक नंबर डाल दूँगा। इसके बाद अगली एंट्री है, मैंने यही सामान बेचना है कस्टमर को, उससे पैसा लेना है, फिर उसके बाद रिजेक्ट करेगा कस्टमर वो ले लेना है मैंने, उसके बाद उसकी वापसी लेनी, फिर इसको रिजेक्ट करके मैंने वापस देना। तो मैं क्या करूँगा, सब इसके बाद ये माल बेच दूँगा। जैसे मैंने सेल किया है F8 से सेल, इसमें वही कंडीशन है। अब यहाँ पर हमारा कस्टमर आ जाएगा, डिलीवर नॉट नंबर यानी कि इसका चालान नंबर कुछ नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट यानी बिल्टी नंबर, डिस्पैच कौन सी ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, कहाँ पे माल जा रहा है, ऑर्डर नंबर कुछ नहीं है, ये सब मैं डिटेल मैन कर देता हूँ। सेल्स कर रहा हूँ मैं, स्पेस दबाऊँगा मैं यहाँ। अब ये 50-50 पीस हमने खरीदे थे, मैं यहाँ से ट्रैकिंग नंबर नॉट अप्लीकेबल 20 पीस इसको भेज देता हूँ। जो मैंने 3000 का लिया था मैंने 3500 के हिसाब से बेचा, और जो मैंने ये 20 पीस ले लिए ये मैंने 3600 रुपये के हिसाब से बेचा। ये 20 पीस, ये मेन लोकेशन से। अब बेचने का तरीका ये है कि जिस लोग जहाँ पर हमारा माल है उसके आगे शो करेगा माल। अब ये नहीं हम शॉप अब्जर्वर से ले लेंगे तो ये हमें रिपोर्ट में माइनस में दिखाएगा, क्योंकि माल हमारे पास यहीं पर है, यहीं से खरीद हम कहीं पे भी सकते हैं लेकिन बेचेंगे वहीं से जहाँ पे हमारे पास माल मौजूद हो। 20 पीस ले लेंगे 3850 रुपये का। उसके बाद हमने ले लिया 90 मेन लोकेशन। स्पेस का इस्तेमाल करेंगे जब हमने कोई भी लिस्ट वगैरह खोलनी है। अब मैं इसमें कोई डिस्काउंट देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, और नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे छोड़ दें। अब क्योंकि राउंड फिगर में पड़ रहा है, हम डिस्काउंट नहीं देना चाह रहे हैं, नहीं, और डिस्काउंट देना चाहेंगे तो डिस्काउंट अलाउ,
और यहाँ पे आके माइनस में जैसे 500 डिस्काउंट दे रहा है, तो ये माइनस में 500 है। अब ये बोला है कि इसका बिल नंबर, जैसे मैंने पहले बताया था आपको परचेज करते समय, यहाँ पे भी हम बिल जारी कर रहे हैं, बिल नंबर क्या है। अब इसका जो बिल नंबर है वो ये है, यानी B1SR1 यानी बुक वन का सीरियल नंबर 1। कॉपी कर लूँ मैं इसको और टैली में आके अल्ट कंट्रोल और वी प्रेस करूँगा मैं, जैसे कंट्रोल वी से पेस्ट होता है टैली में आपका अल्ट कंट्रोल सी से कॉपी होगा और अल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। एंटर करूँगा, ये मुझे पैसा कब देगा ये डिटेल में डाल दूँगा कि एक दिन बाद, दो दिन बाद या एक महीने बाद। मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, इसका अब मुझे बिल निकाल के देना होगा। तो पेज अप दबाऊंगा तो एंट्री वही जो हमने लास्ट एंट्री की होगी वो रिपीट हो जाएगी। प्रिंट कर लूँगा मैं इसको विद प्रिंट प्रीव्यू, एंटर मारूंगा तो ये मेरा प्रिंट निकल के आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे प्रिंट नहीं करना है फिलहाल, प्रिंट नहीं कर रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, मुझे ग्राहक से पैसा प्राप्त करना है या पेमेंट लेना है उससे। तो मैं अब इस कस्टमर से रिसीव करूंगा, रिसीव करने के लिए F6 में आ जाऊंगा। इससे रिसीव करना है मिस्टर ए कस्टमर से 298500। एडजस्ट रेफरेंस, क्योंकि हमने इसको पहले सेल करते समय रेफरेंस दिया था उसी को हम एडजस्ट करें। बिल पेंडिंग बिल नंबर यहां पे शो भी कर रहा है, इसका कितनी तारीख का था ये सब शो कर रहा है। नीचे ये हम इससे कैश ले, नरेशन लिख सकते हो आप, जैसे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ओनर को, सॉरी कस्टमर, एडजस्ट या फिर अगेंस्ट किस नंबर से ले रहे हैं। अब हमने माल खरीदा भी है, पेमेंट कर दिया है, बेचा है और पैसा ले लिया है। अब है अगली एंट्री, रिजेक्शन इन फ्रॉम मिस्टर ए कस्टमर, ट्रैकिंग नंबर इतना इतना। अब मैंने क्या करना है, रिजेक्शन इन के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे रिजेक्शन आउट हो या रिजेक्शन इन है, इनकी की होती है F6, कंट्रोल F6 यानी रिजेक्शन इन और अल्ट F6 रिजेक्शन आउट। तो मैं कंट्रोल F6 कर लूँगा यहाँ, ये आ गया रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन में मैं ले लूँगा किस व्यक्ति से मैंने माल बेचा था जो मुझे वापस कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। अभी माल वापस नहीं हो रहा, सिर्फ रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पर भी कस्टमर का नेम आ जाएगा और क्या सामान है, इसने बताया कि N970 के जो 5 पीस थे वो ख़राब निकले। तो इसके बाद मुझे बता रहा है ये लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर, ये जो है आपने लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर में क्या ट्रैकिंग नंबर डालना है वो मैं यहाँ से ले लूँगा RJIN1। न्यू नंबर में आ जाऊँगा, मैं चाहूँ तो मैं टाइप कर दूँगा RJIN1, मेन लोकेशन में 5 पीस, और कोई सामान खराब नहीं है, तो इसी को उसने रिजेक्ट कर दिया। अब जो रिजेक्ट किया था, ये तो रिजेक्शन की एंट्री होगी कि रिजेक्ट हो गया, लेकिन इससे ना तो हमारे कोई बैलेंस पे इफेक्ट डालेगी एंट्री, क्योंकि ना ही हमारे पास कोई माल वापस आया है ये रिजेक्ट हुआ से। यानी इसको एक तरीके से छांट के चेक करके उसको छांट के अलग कर दिया, अब उसको ही वापस करेगा वो क्रेडिट नोट। अब मैं आ जाऊंगा क्रेडिट नोट में, क्रेडिट नोट भी इसमें आपका एक तो डेबिट नोट, डेबिट क्रेडिट में काम करता है और एक इनवॉइस मोड, तो इसमें एज इनवॉइस ले लूंगा मैं, एज इनवॉइस ले लूंगा। एज इनवॉइस लेने के बाद यहाँ पे मैं लूंगा जिस कस्टमर से मैं वापस ले रहा हूँ उसका ट्रैकिंग नंबर दिखाएगा यहाँ पे जो हमने रिजेक्शन में दिया था। अब आप यहाँ पे सेल रिटर्न ले लेंगे तो जो मैंने रिजेक्शन में दिया था वही सामान यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि होता यह है कि जब हमारे पास बहुत सारा माल होता है तो हमें ये नहीं पता होता क्या क्या वापस करना, तो जो रिजेक्शन वाले रिजेक्ट करेंगे उसको ही हमें वापस करना होगा। तो मैं इसको इसी तरह से एक्सेप्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे लास्ट टाइम ये मुझसे पूछेगा कि आपने इसको एडजस्ट कैसे करना है। ये एंट्री जो है हमारे बैलेंस पे भी इफेक्ट डालेगी, क्योंकि माल वापस हो रहा है तो ये हमारे खाते में आ जाएंगे, इसको हमने ज्यू हो जाएंगे कि हमने इसको देना है ये सामान, इसकी जगह हम दूसरा देंगे इसको। तो हम इसको ऑन अकाउंट
ले लेंगे, क्योंकि वापसी हमेशा वापसी करेंगे या वापसी लेंगे ऑन अकाउंट में ही आएगी, एक्सेप्ट कर। तो इस तरह से मैंने माल वापस ले लिया। अब अगली एंट्री क्या है, रिजेक्शन आउट टू मिस्टर एक्स, इतना 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 ये नंबर दिया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो है रिजेक्शन आउट, एक कंडीशन तो ये होती कि आपने माल जो कस्टमर ने हमें वापस किया, हमने वो वापस लेके अपने पास से दूसरा दे दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं सीधे इसको वापस करूँ जहाँ से मैंने खरीदा है उससे दूसरा लूँ और वो उठा के उसको दोबारा दूँ। अभी कस्टमर को भी जल्दी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसी को रिजेक्शन आउट कर लूँगा, रिजेक्शन आउट टू मिस्टर एक्स। अब मैं क्या करूँगा रिजेक्शन आउट के लिए, मैं जैसे मैंने बताया था F6 से होती है एंट्री रिजेक्शन आउट, तो ये अल्ट F6 से होगी। रिजेक्शन इन जो थी वो खाली कंट्रोल F6 से थी, ये अल्ट F6 से। स्पेस दबाऊंगा मैं यहाँ पे, मिस्टर एक्स को वापस कराऊंगा N70 के। अब ये बोला है कि ट्रैकिंग नंबर, मैंने क्या न्यू नंबर ले लिया, मैंने नंबर था मेरे पास RJOUT3। कितने पीस, 5 पीस थे, मैंने ये रिजेक्ट कर दिए, वही मेरे पास मैंने छांट के अलग कर दी कि ये सामान वापस जाना है। अब मैं क्या करूँगा इसको डेबिट नोट में, इसके बाद मैं क्या करूँगा डेबिट नोट, अब मैं वापस जो करूँगा वो इस नंबर से वापस करूँगा, इस नंबर पे जो भी सामान की वापसी होनी है वो यहाँ हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा डेबिट नोट में आ जाऊँगा। अब ये डेबिट नोट, ये भी हमारा डेबिट क्रेडिट में आ रहा है, यानी कि वाउचर में आ रहा है, तो मुझे इनवॉइस में लेना पड़ेगा। वैसे ही इनवॉइस में ही आएगा, अगर आपका वाउचर में आ रहा है तो इनवॉइस में कर लेंगे। एंटर करूंगा मैं, कोई रेफरेंस नंबर नहीं डालूंगा यहाँ पर, मिस्टर एक्स। अब जो मेरा यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर था वही ले लूंगा, परचेज रिटर्न ले लूंगा यहाँ पर मैं, और यहाँ पे आपका वो सामान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर से मुझे ऑन अकाउंट करना पड़ेगा, ये जैसे मैंने सेल्स करते समय किया था उसी तरह से मैं ऑन अकाउंट कर लूंगा। तो मेरा सामान जो मैंने खरीदा था मैंने भी वापस कर, जो उसने मुझे दिया मैंने वो सामान वापस कर दिया। अब मैं दोबारा से परचेज करूंगा मिस्टर एक्स से, जो कि एक रिप्लेसमेंट होगी, यानी उसकी जगह दूसरा सामान आएगा। तो अब जो हम रिप्लेसमेंट वाला जो खरीदेंगे वो किस तरह से खरीदेंगे, मैं F9 परचेज में आ जाऊंगा। परचेज में आने के बाद एंटर करूंगा, इस समय मैं कोई बिल नंबर वगैरह नहीं लूंगा, मिस्टर एक्स ट्रैकिंग नंबर, मैंने क्या एंड, कोई नंबर वगैरह नहीं देना है यहाँ पे आपने। परचेज रिटर्न नहीं कर रहा हूँ मैं, परचेज कर रहा हूँ। तो देखो मैंने जो सामान वापस किया है वो उसके खाते में पैसा शो कर रहा है, उसके अकाउंट में शो कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से N70 जो मैंने वापस किए थे, ट्रैकिंग नंबर कुछ नहीं, मेन लोकेशन में ही मैं वो 5 पीस वापस ले रहा। लेकिन जब मैं इसको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आऊंगा तो न्यू रेफरेंस ना ही एडजस्ट रेफरेंस लूंगा, ऑन अकाउंट ले लूंगा इसको। ऑन अकाउंट का मतलब है वापसी ना। अगर मैंने सामान खरीदने के बाद पैसा ना दिया होता, अगर उसका पैसा बकाया होता, तो मैं क्या करता एडजस्ट रेफरेंस में ले लेता, यानी वही रेफरेंस में ही के जरिए ये माल वापस आ रहा है। तो ये मैंने माल वापस ले लिया, तो जो मैंने दोबारा ले लिया, जो मैंने वापस किया था, अब इसी तरह से मैं इसको सेल कर दूंगा, क्योंकि तो मैंने जिस कस्टमर को देना है यहाँ पे कोई डिटेल नहीं देंगे। सेल रिटर्न नहीं कर रहे, सेल कर रहे हैं, यानी इसको दे रहे हैं। सेल का मतलब होता है माल देना या बेचना। लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर गो डाउन। अब मैं इसको 5 पीस को दे देता हूँ, लेकिन बेचते समय मैं इसको भी उसी तरह से दूंगा, क्योंकि इसको भी वापस दिया जा रहा है, वापसी दिया जा रहा है इसको माल, जिसने हमें वापस किया था उसकी जगह दूसरा दिया जा रहा है, तो ऑन अकाउंट तो एक्सेप्ट कर। तो इस तरह से हम परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न और रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको,
वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।